शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने पिछले दिनों राज्यसभा में आयुर्वेद के फायदों पर बहस के दौरान कहा कि मुर्गी पालन फॉर्म के प्रोडक्ट जैसे अंडा और चिकन को शाकाहारी घोषित करना चाहिए। संजय राउत ने यह भी कहा कि आयुष मंत्रालय को यह तय करना चाहिए कि चिकन शाकाहार है या मांसाहार। संजय राउत का इसके पीछे तर्क था कि कई रिसर्च में कहा गया है कि आयुर्वेदिक अंडा वाली मुर्गी को आयुर्वेदिक खाना ही खिलाया जाता है, जिसे शाकाहारी व्यक्ति भी खा सकते हैं। जैसे ही संजय का यह बयान सोशल मीडिया में आया तो संजय ट्रोल हो गए। कई यूजर्स पूछने लगे कि चिकन और अंडा ही क्यों, मटन और बीफ को भी इस लिस्ट में शामिल करना चाहिए। वैदिक यज्ञ हवन में इनकी बलि दी जाती रही है, यहाँ तक कि घोड़े की भी बलि दी जाती रही है। इन सब के बावजूद ये सभी पेड़ पौधे खाते हैं, सो ये सभी शाकाहारी हैं। दिलचस्प है कि जब संजय राउत ने राज्यसभा में चर्चा के दौरान कहा कि आयुष मंत्रालय का जिम्मा है कि वह इसे प्रमाणित करे ताकि शाकाहारी लोगों को प्रोटीन मिल सके, कि मुर्गी और अंडा शाकाहारी भोजन है, चर्चा के दौरान सभी सांसद ये सुनकर चौंक गए कि आयुर्वेदिक मुर्गी और आयुर्वेदिक अंडा होता है। हमारे वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।